मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। नाम नंद किशोर गोयल है, मैं एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं भाई, दो बारी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। पहले मेरे लिए देश है और गरीब जनता, छत्ती बिरादरी का कोई भी हो उसके प्रति मेरी सहानुभूति है, हमदर्दी है। जो ये कानून बना है मेरी आत्मा मानती है, ना मैं किसी का बकाया हो लाग रहा। मेरे में तो वैसे भगवान ने मन में बुद्धि दे रखी है, अग्रवाल समाज में पैदा हो रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का बकाया हो लग रहा। ये तो हर घर में चर्चा चलती है कि भाई इस कानून से देश की जनता को नुकसान होगा। दो बारी विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और मौका मिला तो 24 में सफीदों से फिर लड़ूंगा। और सरपंच रहा हूँ, इतने बड़े गांव का ब्लॉक समिति सदस्य रहा हूँ। ना कोई जात पात का भेदभाव ना करता, ना किसी जात पात की बायकाट करता, ना खिलाफत करता। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु नानक ने कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि का बोझे सो हरि का होए। सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। सर सी मार साहब, जो आज ये यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ ये किस लिए कर रहे हो आप? ये धरना प्रदर्शन है जो हमारा अपना एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय मानव विकास दल के नाम से, और जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के विरोध में जो बिल पास किया है कृषि कानून, उस कृषि कानून का जो नुकसान है वो मजदूर आदमी को, किसान की बजाय मजदूर आदमी को नुकसान ज़्यादा है। अगर ये कानून पास तो हो गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो इसका जो मजदूर आदमी है उसको तो कम से कम भी 100-150-200 रुपए किलो आटा नहीं मिलना, क्योंकि आज भी बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो उन पे 55 रुपए स्लिप की एक लगे होता है कि 55 रुपए किलो गेहूँ का रेट आज के दिन है वो। तो अगर ये कानून लागू होगा तो 100-150-200 रुपए हमारे को मिलेगा, जो हमारे को सिर्फ दो तरीके, उसके पास हमारे पास दो तरीके बचते हैं, या तो इस धरती से चले जाना, क्योंकि जब आदमी भूख से मरेगा तो चला ही जाएगा, और नहीं तो फिर इस कानून के विरोध में हम सड़कों पर आएँ और अपने आने वाले भविष्य को बचाएं, नहीं तो ये बहुत बुरा हालात होना है। इस देश में अगर ये कानून लागू हो जाता है किसान के साथ साथ मजदूर, मतलब ज़्यादा मतलब इसमें पिसेगा, क्योंकि मजदूर जो है वो खेती के ऊपर निर्भर है। आज 20% मजदूर तो मतलब किसी अन्य कामों में है, लेकिन 80% जो लोग हैं, चाहे वो पशुपालन का कार्य है मजदूर के द्वारा, चाहे वो खेती का काम है, चाहे वो मंडी में तुलाई का, जराई का, कटाई का, लुढ़ाई का, जो भी अन्य काम हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। जब बाहर से मंडियाँ आ जाएंगी, सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, FCI खरीदना बंद कर देगा। जो लोग खुश हैं कि हमें 2 रुपये किलो मिलता है, हमें क्या मतलब है, किसानों का समर्थन है, जब ये FCI बंद हो जाएगी, खरीदना बंद कर देगी गवर्नमेंट। और जैसे गैस की सब्सिडी खत्म हुई इसी प्रकार से ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमारा इतना बड़ा मतलब के मरने के ऊपर, जैसे भूख से आज लोग मर रहे हैं तो फिर बड़ी संख्या में भूख से लोग मरेंगे, और इस देश के अंदर एक जन क्रांति फैलेगी, और जन क्रांति के माध्यम से ना कोई ऑफिस खुलेगा, ना कोई DC SP को किसी को कोई कुछ नहीं मानेगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, लूट खसोट का माहौल होगा, क्योंकि भूखा आदमी क्या नहीं करता। तो ये है कि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मजदूर को है। किसान जो लोग हैं, हो सकता है 25 एकड़ वाला जमींदार, 1 एकड़ वाला के जमींदार अपने लिए गेहूँ उपजा करके रख ले, लेकिन मजदूर के लिए कहाँ से आएगा? मजदूर को तो सिर्फ इसी उनकी मंडी से लेना है, उनके घर से लेना है, उनके खेत से लेना है, और जो अपना पशुपालन का जो काम है उन्हीं खेतों से होना है। जब खेत भी कॉन्ट्रैक्ट पर चले जाएंगे उनमें कौन घुसेगा? आज मोगा के अंदर साइलो टाइप के जो बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं अंबानी अडानी के, एक गोदाम की 40 लाख टन कैपेसिटी है, 40 लाख टन, और उसमें आप जाकर के देख लें
40 लाख टन के रख रखाव के लिए सिर्फ 12 आदमी उन्होंने रखे हुए हैं। अब पूरे जिला जींद की कितनी फसल है वो शायद 40 लाख टन हो। अब जैसे जिला जींद में सफीदो मंडी है, पिल्लूखेड़ा मंडी है, और जुलाना मंडी है, जींद मंडी है, उचाना मंडी है, नरवाना मंडी है, और हर मंडी में 2,000 आदमी, मतलब कोई बोरी भरने का काम करता है, कोई सीलने का काम करता है, कोई उठाने का काम करता है, कोई लोड का काम करता है, यानी 2,000 आदमी हर मंडी में काम करता है। तो वो सारे के सारे बेचारे भूख से मरेंगे और उनको कोई काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये धरना हमारा आज एक दिवसीय है, और अभी जो कार्यकारिणी अभी बैठी है, आगामी जो भी 26 जनवरी के लिए, 24 जनवरी के लिए, जितना लंबा जो भी होगा, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जो भी दिशा निर्देश करेंगे हम उसको पूरा करेंगे, और किसी भी हद तक सरकार के खिलाफ हम जाएंगे, क्योंकि ये सरकार इतनी जालिम सरकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब कोई सरकार तानाशाह बन जाए, गर्दने कटाई तो जाती हैं, झुकाई नहीं जाती, ये मेरा कहना है। सर, कहीं ना कहीं मैंने देखा, टीवी पे भी देखा, और मैंने वहाँ भी मैं गया था जो टिगरी बॉर्डर पर, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ किसान हुए कह रहे ये कानून सही है और सरकार भी कह रही है सर किसान के लिए सही है। ये जो किसान जो बोल रहे हैं ये कानून सही ही है, वो बीजेपी का एक अंग है, वो बीजेपी सरकार के ही छोड़े हुए लोग हैं। एक्चुअल में जो किसान किसानी करते हैं, जो मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए कानून काला कानून है और उनको नुकसान देने वाला है ये। आजा बाबू जी। सर अंकल जी, मैंने सुना आप वकील भी हो, सरकार का कहना है जो कानून बनते हुए वापस नहीं ले लिए जाते लेकिन उनमें सुधार किया जाता, क्या सही है? नहीं, ये गलत बात है। जो कानून बनता है वो रिपील भी होता है। हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों कानून रिपील हो चुके हैं, जो पहले थे अब नहीं है, तो ये कानून भी रिपील हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पार्लियामेंट ने पास किया वही इनको रिपील कर देगी एक लाइन में, हो गया। ये मिथ्या प्रचार है सरकार का, हम इसको सही नहीं मानते जी। सर अंकल जी, जब कोई भी अगर गांव में कोई समस्या होती है तो वो एक सरपंच के पास जाता है, क्यों? गांव का वो मुखिया होता है। हमारे जींद हल्के का विधायक है जो कृष्ण मिड्डा, जो बीजेपी से है, जब वो गांव में वोट मांगने जाता था वो कहता मैं किसान के साथ हूँ, मैं मजदूर के साथ हूँ। आज उसकी एक भी बोल किसान के हक में या मजदूर के हक में, ये तो दूर की बात, आज उसका ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है जी, जब रावण जी ने डिक्टेटरशिप तानाशाही की थी ना, तो उसकी घरवाली मंदोदरी ने भी और उसके भाई भी विभीषण ने भी न्याय पे चलने की उसको बहुत समझाई थी, क्योंकि वो डरते नहीं थे, उनको तो इतना एहसास था भाई तेरे को घने से घना राज तक काट देगा उसके भाई ने। और आज के जो जनप्रतिनिधि बनाए हुए हैं, चाहे हमारे एमपी बन गए, एमएलए विधायक बन गए, मंत्री बन गए या सेंटर में मिनिस्टर है, उनकी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी साहब को कहने की, क्योंकि उनको डर है कि भाई अगर आज तू मोदी साहब को कह देगा तो शाम ने तेरी कोठी की भी चाबी और कार की भी चाबी मंगा लेगा, अगले दिन दूसरा बना देगा और अगली बार उसका टिकट भी कट जाएगा। क्योंकि ये सरकार है ना, वन मैन शो सरकार है ये, तो इसलिए अब किसी भी जनता का जो प्रतिनिधि चुना गया है जनता द्वारा, उसको ये डर है, कोई भी हो, चाहे विधायक है, मंत्री है, भाई आगे तेरा टिकट कट जाएगा। अब तो पार्टी से तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनकी सरकार विधायकों के सारे चल रही है, और ये वैसे भी हरियाणा में जो सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, क्योंकि विसाखियों पे सरकार चल रही है। तो वैसे जनप्रतिनिधि का जन भावना है, जिन लोगों ने चुना है उनकी आवाज़ के साथ उनको साथ देना चाहिए। और क्या है कि ये जो अग्रवाल बढ़िया कौम है ना, इसमें तो लोग और देश जनता शास्त्र कहते हैं, अभी बण में बुद्धि होती है। जब ये व्यापारी समाज लोग भी इस जन आंदोलन में साथ हैं तो ये कौन से बनिए कांग्रेस के बकाए हो तो लाग गए को नहीं, ना ममता बनर्जी के बकाए लाग गए, और इन्होंने 90-95% बनिया ना वोट बीजेपी को दिया। जब व्यापारी लोग भी ये कहते हैं भाई ये कानून जो बना रही है सरकार है, ये जो 5% पूंजीपति लोग हैं उनको लाभ होगा, हमारा नुकसान है, मजदूर का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, 95% लोगों का है, जब वो भी अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि भाई ये कानून वापस लेना चाहिए,
तुम्हें किसी के बकाए में नहीं लग रहे? और सबसे बड़े बुद्धिजीवी कौन होते हैं? वकील होते हैं ना, वकील बढ़िए भी होते हैं। तो जब ये दोनों समाज ये तबका भी कह रहा है भाई ये कानून वापस ले लो, तो सरकार अधर्मी क्यों कर रही है? देश के हित में ये कानून वापस लेने का कोई इतराज नहीं है। जब कानून बनते हैं संसद में लोकसभा बुला के वापस ले लो, तो इसमें देश का हित है, मोदी साहब का भी हित है, ज़्यादा इसमें अधर्मी ना करे। और हम तो भाई आज जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए उनको भाई श्रद्धांजलि भी देते हैं। और भाई सरकार इनकी बात सुने और ये कानून वापस लेके 26 तारीख को इनको वापस के उनको धरना से उठा दे, हम तो ये कहना चाहेंगे। जी अंकल जी, अभी तक तो सरकार मानी नहीं, क्या आपको लगता है जो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली है 26 जनवरी के अंदर उसके अंदर उसमें मान जाएगी? हमारे को तो उम्मीद है कि लाखों जो आदमी वहाँ 60 दिन से बैठे हैं, 1 लाख आदमी थोड़े नहीं होते। इतना बड़ा जन आंदोलन आज तक, भाई मेरी भी 61 साल की उम्र हो रही और मेरे से बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे होंगे, सरकार में बैठे हैं, इतना बड़ा जन आंदोलन 60 दिन तक लंबा हमने देखा ना सुना। और जो 26 तारीख ने तो कति देश की जनता तोड़ पाड़ देगी, लाखों ट्रैक्टर जाएंगे वहाँ। और मैं तो कहता हूँ जहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पर संबोधित करेंगे, उसके सामने ही ट्रैक्टर की परेड होनी चाहिए सामने। और ये देश जय जवान जय किसानों का देश है, और ये मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार हमारे किसान और जवान भाइयों को भी लड़ाना चाहती है, परंतु हमारे जवान भाई बहुत समझदार हैं, हमारे तो भाई भतीजे चाचे बेटे हैं वहाँ, तो वो ऐसा गलत काम सरकार के कहने से भी करे नहीं गे। तो इतनी जिद्दी नहीं करनी चाहिए और ये काले कानून वापस लेके इस देश के अंदर शांति बहाल करनी चाहिए। जब ये कहता है भाई मोदी मैंने यू किसाना का फायदा करना है, भला करना है, भाई जब किसान कहते हैं कि भी मारा हमने फायदा नहीं लेना, जब मान ले चलो एक बात हम कहते हैं, भाई सरकार कहती है भाई किसानों के भले के लिए बनाया हमने, भाई सरकार कहते हैं भाई यू हमने भला नहीं चाहता, भाई किसी के रसगुल्ले खवाने हैं जनता मैंने नहीं खाने, आप मैंने कह दो भाई धक्के दिखा ले, तो मेरा शुगर है, मेरे वैसे शुगर नहीं है तो मैं क्यों खाऊंगा शुगर से बचने के लिए। तुम मान ले इसको धक्का नहीं करना चाहिए, अधर्मी नहीं करनी चाहिए, ये कानून वापस लेके देश के अंदर अमन चैन की शांति का माहौल कायम करना चाहिए। राजा का ये काम होता है, जैसे जनता वैसे राजा, राजा तो जनता के साथ है ना। जब जिस देश की जनता ही दुखी होगी तो राजा सुख होकर कहाँ तक जाएगा? मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये कानून देश हित में नहीं है और इसको वापस लेके देश में अमन चैन शांति कायम करें। सर आपका नाम? मेरा नाम नंद किशोर गोयल है, मैं एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं भाई।